हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। अब अगर आपको कभी भी अचानक ट्रेन से सफ़र करना पड़ जाए और आपके पास टिकट नहीं है, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आप बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसी स्थिति में बस तत्काल टिकट का ही विकल्प होता था, लेकिन उसमें भी आपको टिकट मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे में आज आपको रेलवे का एक खास नियम बताते हैं, जिससे आप बिना रेल टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं भी जाना है, तो आप सिर्फ प्लेटफार्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर यानी TTE के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफार्म टिकट लेकर तुरंत TTE से संपर्क करना होगा, फिर TTE आपको टिकट बनाकर देगा। ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना तो कर सकता है, लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में यात्री से ₹250 पेनल्टी चार्ज के साथ में जो भी टिकट का फेयर होगा। मान लीजिए आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं लखनऊ से मुंबई के लिए, और ₹610 के आसपास टिकट का दाम है, और फिर आपसे ₹250 पेनल्टी लिए जाएंगे, यानी लगभग ₹850 आप पे करेंगे, उसके बाद आप यात्रा करेंगे। अगर सीट कहीं अवेलेबल है तो आपको सीट दी जाएगी, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको सीट नहीं दी जाएगी, लेकिन यात्रा करने से आपको नहीं रोका जा सकता है। प्लेटफार्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बनाता है। इसके साथ ही यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा जहां से उसने प्लेटफार्म टिकट लिया है। किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किराया भी उसी श्रेणी यानी उसी क्लास का देना होगा जिसमें आप यात्रा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये खास नियम सभी यात्रियों को जानना चाहिए जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं।